गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकुल यादव एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशंस पैरामीटर वन बाई वन. सो एज यू ऑल नो दैट इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अवर डिस्कशन रिलेटेड टू द काइनामेटिक्स एंड आई टोल्ड यू दैट इन काइनामेटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल. And in particular, if somebody is saying that we are going to study about the motion of the particle, then what does it mean? That in a motion, we are going to study about its various parameters. So what can be the parameters of a motion? It can be distance, it can be displacement, it can be speed, it can be velocity, or it can be acceleration. Okay? So, आज ही जो हमने जो various parameters कल हम आपको discuss किए थे, इन्हीं के बारे में एक इन्हीं के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो जो फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने बताया था आपका वो था डिस्टेंस. तो सबसे पहले आपने बेटा शायद क्लास नाइन्थ में भी शायद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा टॉपिक आता है ये कवर किया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अच्छे से नहीं किया हो. तो डिस्टेंस क्या होती है? सो डिस्टेंस इज इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल. बेटा ये जो हमारा जो चैप्टर है स्टडी कर रहे हैं, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम मोशन इन वन डी पढ़ रहे हैं. इस पूरे चैप्टर में हम मोशन इन वन डी पढ़ेंगे, ठीक है? जो अगला वाला चैप्टर रहेगा उसमें हम मोशन इन ए प्लेन देखेंगे. ओके, सो डिस्टेंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल. ट्रेवल्ड और कवर्ड भी लिख सकते हैं आप, ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल. एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं. सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है हमारा, वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और वो पॉइंट बी तक जा रहा है, कोई भी पॉइंट बी, और जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, इस पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मैं यहां से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैं टोटल लेंथ नापना स्टार्ट कर दूं कि ये इतनी टोटल लेंथ हमारी कितनी है यहां से यहां तक की, तो ये जितनी लेंथ होगी इस पाथ की जितनी भी लेंथ होगी उसी को मैं क्या बोल देता हूँ? डिस्टेंस बोल देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बोल देता हूँ. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एक और टर्म बेटा इसी के रिलेटिव में हम जब समझते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आता है, वो टर्म होती है क्या? डिस्प्लेसमेंट. वन मिनट. एक और टर्म इसी के रिलेटिव में जब हम समझते हैं तो वो टर्म होती है हमारी क्या? डिस्प्लेसमेंट. वन मिनट. ओके, देन अदर टर्म इज डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये तो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ठीक है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन एनी टू पॉइंट. कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो पाथ लेंथ ट्रेवल करता है पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करता है उसी को हम डिस्टेंस बोल देते हैं. तो ए से बी के बीच में ये पाथ था तो इसी की जो लेंथ को हमने क्या बोल दिया? डिस्टेंस बोल दिया. अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल. Covered by a particle between two points. तो जिन भी दो पार्टिकल जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल को कोई भी डिस्टेंस कवर करनी है तो उन पार्टिकल की शॉर्टेस्ट उन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं.
अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहला वाला ये आपको एग्जांपल दिया कि ये पार्टिकल था कोई हमारा, वो पॉइंट ए से बी को ये फॉलो पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचा, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, ये टोटल पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ इसने कवर की, वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अभी मैं बात करूं बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल को बी तक पहुंचा है, तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, वही क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ए से बी तक, अगर मैं ए को बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, ए को पॉइंट ए को पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो वही क्या होगा, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, मैं सीधा ए से बी की तरफ जा रहा हूं बिना कोई मोड़ के, तो आपको पता है कि वही क्या होगा, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि आप अगर इस पाथ को फॉलो ना करके किसी और पाथ से जा रहे हैं, तो आपको देख आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका जो पाथ लेंथ होगा, जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट Shortest distance between two points is always equal to the straight line joining these two points. Straight line joining these two points. Okay. तो दो चीज क्लियर हुई आपको, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, वो तो होगी क्या हमारी डिस्टेंस। दूसरा क्या आता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और जहां पे पार्टिकल एंड हो रहा है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, तो वही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी हाँ, आपको बेटा पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, दैट मींस हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं। मोशन इन 1D मींस कि पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो उसके केस में हम डिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं डिस्टेंस क्या होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसके केस में, 1D मोशन के केस में समझे सबसे पहले। तो बेटा अज्यूम करके चलो कि एक एग्जांपल है कि कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो रहा है आपका। ओके, और सपोज कर लीजिए कि ये मेरा पार्टिकल है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ये स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल ऐसे करते हुए जा रहा है और इट रीच टू पॉइंट बी। तो ए और बी के जो बीच का जो डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है बेटा, ए से बी का जो डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, पॉइंट ए से बी के बीच का, वो आपको दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। ओके, तो बेटा अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इन पाथ A to B के अंदर देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है डिस्टेंस तो बेटा क्या होता है, डिस्टेंस तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल होता है, तो पाथ लेंथ यहां से यहां तक कितनी पाथ लेंथ होगी, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की कितने पाथ लेंथ होगी, तो ऑफकोर्स वो 100 मीटर आपको दे रखी, तो वही आपकी क्या रहेगी, पाथ लेंथ रहेगी ए से बी तक की। ठीक है, तो डिस्टेंस होता क्या हमारा, पाथ लेंथ के इक्वल
और जो पाथ लेंथ यहाँ पे क्या है इसे बी के बीच में, वो आपकी क्या है 100 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अभी बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आप बोलेंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और आप क्या देखेंगे मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है बी है। और मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जोड़ देते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अगर ए पॉइंट को बी पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ए से बी तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहा हूं तो यही पाथ आ गया आपका सेम डिटो, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग में पार्टिकल इसी पाथ से आया था ए से बी तक, तो वो आपकी डिस्टेंस आ गई कितनी 100 मीटर। जब मैं डिस्प्लेसमेंट भी देख रहा हूं तो आपका सेम पाथ बन रहा है डिस्प्लेसमेंट का भी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है बी, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ा तो जिस पाथ से पार्टिकल आ रहा था वही पाथ क्या बन गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का भी पाथ बन गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा यहां तक अगर मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा कितना 100 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ भी आपने देखा कि वो कितनी आई है मेरी 100 मीटर आई है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 100 मीटर होगा। ये है पाथ ए टू बी के लिए, ए से बी के लिए। अभी बेटा आप सपोज अज्यूम करके चल लीजिए कि पॉइंट बी पे पार्टिकल रुक गया और पॉइंट सी बी के बाद ये वापस मुड़ गया पार्टिकल यहां से बी से, और वापस मुड़ के ये पार्टिकल कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया वापस, ठीक है। तो ये मैं ऊपर वाली ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। सपोज कर लीजिए कि पॉइंट सी पे पहुंच गया और इस पॉइंट सी की बी से जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको ये वाली लेंथ, ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है कितनी 40 मीटर। ओके, तो अभी बेटा आपको फाइंड आउट करना है इन पाथ ए बी सी के लिए, इन पाथ ए से पार्टिकल कहां गया बी तक और बी से कहां गया सी तक, इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। मैंने पूछा डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा आपका, तो डिस्टेंस तो क्या होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल पहले कहां से आएगा, ए से बी तक गया, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने, तो ए से बी तक आप बोलेंगे कि 100 मीटर ट्रेवल कर ली पार्टिकल ने। फिर बी से सी तक गया, तो बी से सी तक कितनी पाथ लेंथ होगी, बी से सी तक इसकी होगी 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 100 मीटर प्लस 40 मीटर। तो पार्टिकल पहले तो कहां पे जाएगा, ए टू बी के लिए, फिर प्लस बी टू सी के लिए, ठीक है। और हमको क्या पता चला कि ए से बी तक जब पार्टिकल जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर, और जब बी से सी के लिए पार्टिकल जा रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर। तो ये आपका आ गया 140 मीटर, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है टोटल पाथ लेंथ की, पार्टिकल ने कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की है। तो पाथ लेंथ तो यहां से यहां गया और फिर वापस यहां पे आ गया, यही तो होगी टोटल पाथ लेंथ। तो 100 मीटर प्लस 40 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 140 मीटर। ओके, अभी बेटा इसी केस के अंदर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था आपको क्या देखना है, आपने इनिशियल पॉइंट देखना है और क्या देखना है फाइनल पॉइंट देखना है। तो अगर मैं पाथ की बात करूं ए बी सी पे, तो इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ए है और फाइनल पॉइंट क्या है आपका सी है। ओके, तो इनिशियल पॉइंट आपका क्या है पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका पॉइंट सी है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करता हूं। वही क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वही क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इनिशियल पॉइंट है मेरा ए, फाइनल पॉइंट है मेरा क्या सी, इन दोनों को अगर मैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये पाथ आ जाएगा ए से सी तक, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी ए से सी तक की जो लेंथ होगी वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी यहां पे, तो
तो ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, तो ऑफकोर्स आपका कितना बच गया, 60 मीटर बच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपकी, डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गई, और वो कितनी आ गई आपकी, 60 मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर मैंने बेटा इसी में पूछ लिया आपको कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ए से बी तक गया और बी से फिर वापस ए पे चला गया, पूरा का पूरा ए से बी तक गया और बी से वापस ए पे चला गया। अगर पाथ क्या है पार्टिकल का, अगर पाथ है पार्टिकल का ए टू बी एंड बी टू ए, तो इस केस के अंदर मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक आया पार्टिकल, ए से बी तक 100 मीटर कवर किया, बी से वापस चला गया तो फिर से एक बार 100 मीटर कवर किया, टोटल पाथ लेंथ क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है। तो ए से बी तक 100 मीटर कवर किया, बी से ए तक 100 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की पार्टिकल ने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने कितनी, 100 मीटर प्लस 100 मीटर, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा आप क्या देखेंगे कि मेरा इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, फाइनली भी आप देख रहे हैं कहाँ पे आ गए वापस, घूम के आप ए पे ही आ गए, तो आपका फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए है। तो आप इनिशियल पॉइंट को जब फाइनल पॉइंट से मिलाते हैं तो जो लेंथ आती है हमारी, जो स्ट्रेट लाइन से अगर हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसी को लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब आपका इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो वो आपको सेम पॉइंट ही आ गया, तो उसकी लेंथ कितनी होगी स्ट्रेट लाइन की, ऑफकोर्स जीरो होगी, ठीक है। ए को ए से ज्वाइन करें तो आपकी लेंथ कितनी होगी, जीरो ही होगी, सेम पॉइंट है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो मीटर हो जाएगा। ओके सो बेटा आई होप दैट दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। ओके ये स्ट्रेट लाइन मोशन का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, यहां पर अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अभी बेटा आप कुछ और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। आप सपोज कर लीजिए कोई सर्कल है, तो बेटा आप अज्यूम कर लीजिए कि कोई सर्कल है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम ऐसा ही बना है सर्कल का, लेकिन आप अज्यूम करके चल लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल। और कोई पार्टिकल है जो इसकी पेरिफेरी पे मूव हो रहा है, सर्कल जो सर्कुलर जो पाथ है यहीं पे पार्टिकल कोई मूव हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ओके एंड सपोज कर लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो आर मान लीजिए आप, इसकी रेडियस को हमने आर मान लिया जनरल, और मैं क्या कर रहा हूं इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं इस सर्कल को। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इस सर्कल की जो रेडियस है आपकी वो मैंने बता दी, इस सर्कल की क्या रेडियस है इसकी, आर। ओके पार्टिकल सपोज कर लीजिए कि स्टार्टिंग में मेरा पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट ए से स्टार्ट कर चलते हुए वो पहुंच गया पॉइंट बी पे, बी से चलते हुए सपोज कर लीजिए वो पहुंच गया पॉइंट सी पे, और सी से इसकी पेरिफेरी पे चलते हुए आप सपोज कर लीजिए वो पहुंच गया पॉइंट डी। ओके अभी बेटा आपको करना क्या है, इफ द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस सर्कल, इफ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग
ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल starting from point A से स्टार्ट करते हुए periphery पे circle पे चल रहा है starting from point A in anti-clockwise direction then find distance and displacement फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है किसमें इन पार्ट ए टू बी सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है इन पार्ट ए से बी बी से सी एंड थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए से बी के लिए इन पार्ट ए से बी बी से सी एंड सी से डी इन तीनों केसों में आपको डिस्टेंस भी निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ओके तो अभी बेटा मैंने आपसे पूछा एक जनरल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अगर इसकी रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा आपका 2πr ओके अगर मैंने पूछा आपसे कि आपको पाथ ए बी से जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं सबसे पहले इन पाथ ए बी मैंने पूछा आपका डिस्टेंस कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ठीक है एक्चुअल पाथ लेंथ ए से बी तक कितना पाथ लेंथ हुआ पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पाथ को यहां से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की इस पाथ की कितनी लेंथ है वही क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा ए से बी तक तो आपको क्या पता है कि अगर मैं बात करूं तो मैंने इस सर्कल को चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ये पार्ट वन मान लीजिए ये टू मान लीजिए ये थर्ड पार्ट मान लीजिए ये फोर्थ पार्ट मान लीजिए और आपको पता है कि टोटल अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं तो टोटल सर्कमफेरेंस आपकी कितनी होती है 2πr ओके तो यहां से यहां तक तो आप बोलेंगे बेटा कि ये तो 1/4 ही पार्ट हुआ यहां से यहां तक 1/4 तो 1/4 क्या हो गया 1/2 तो ये तो आधा पार्ट हो गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सर्कमफेरेंस का आधा पार्ट हो गया तो ये तो यहां से ए से बी तक जो पार्ट आएगा आपका वो क्या होगा सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट ही होगा तो डिस्टेंस आप क्या बोल सकते हैं सिंपली पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी जो कितनी है 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो ये 1/4 ही है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का तो डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे डिस्टेंस आप बोल देंगे कि 1/4 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है आर रेडियस आपको दी हुई है तो 2πr तो आपका आंसर आ जाएगा कितना पाई आर बाई टू ये तो आ गई आपकी क्या डिस्टेंस अभी आपको क्या निकालना है बेटा अभी आपको निकालना है दूसरे पार्ट में आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा आप क्या करेंगे आप पाथ देखिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ए से बी तक का पाथ फॉलो कर रहा है तो आपको अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछी तो आप बोलेंगे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसका तो आप बोलेंगे कि इनिशियल पॉइंट तो ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बी ठीक है तो इनिशियल पॉइंट तो क्या है हमारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा बी इन पाथ ए से बी ठीक है इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ए फाइनल पॉइंट क्या है आपका बी है आपको निकालना क्या है बेटा आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको पहले बताया था मैं क्या करूंगा इनिशियल पॉइंट को से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम मिला देते हैं ठीक है तो पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट ए को फाइनल पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मैंने मिला दिया
ठीक है। तो ये जो लेंथ आई आपकी, ये जो लेंथ आएगी ये क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट होगी ए से बी तक की। सपोज कर लीजिए ये ट्राइंगल का सेंटर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओ से। अगर आपको इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी पूरी, राइट। और ये लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि ये मेरा सर्कल है। अगर पॉइंट ओ से बीच के बीच, ओ से बी, ओ से ए का डिस्टेंस अगर मैं पूछू आपसे ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, तो ये आपकी आ गई आर। और अगर मैंने पूछा ओ से बी तक ये वाली लेंथ आपसे, तो आप बोलेंगे कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है मेरी, आर है। और ये एंगल क्या है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल जो कि क्या है ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आपका रूट टू आर आ जाएगा, ये लेंथ अगर आपको निकालनी है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे निकाल लिया है हमने, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट टू आर। तो डिस्प्लेसमेंट मैं बोल सकता हूं बेटा कितना हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, रूट टू आर, रूट टू आर। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है इन पाथ ए टू बी एंड बी टू सी, इस पाथ में निकालनी है हमको। क्या बताया मैंने बेटा, ए से बी तक गया पार्टिकल और बी से सी तक आया गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है कि ये इसकी सर्कमफेरेंस पे जा रहा है, तो ए से जब ये सी तक पहुंच जाएगा तो कितनी सर्कमफेरेंस कवर कर दी, तो आप बोलेंगे कि बेटा इसने तो आधी सर्कमफेरेंस कवर कर दी है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। बहुत ही सिंपल है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगी आपकी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं कितना, हाफ ऑफ टू पाई आर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, पाई आर आ जाएगी आपकी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपका ए है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका सी। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका सी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा ए को सी से, तो जो डिस्टेंस आएगी वही क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं ए से सी तक की जो स्ट्रेट लाइन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ए से सी तक क्या बन गया, ये सर्कल का डायमीटर बन गया है आपका, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 2r की इक्वल आएगी, क्योंकि ये सीधा क्या बन गया आपका, एक डायमीटर बन गया है आपका ए से सी तक का, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 2r। ओके, तो बेटा यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। जो थर्ड वाला जो पार्ट है आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये आपको घर पे खुद करके देखना है। ओके, अगर आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इस पार्ट को भी कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक। ओके, तो ये आप अपने घर पे करके देख लीजिए। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉपी ऑल दीज नोट्स फ्रॉम द बोर्ड एंड यू नीड टू सबमिट इट टूडे बाई 9 PM ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो थैंक यू।